जब से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को हाई कोर्ट का रास्ता दिखाया, तब से मनीष कश्यप के परिवार की लोगों की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। और मनीष कश्यप के जो समर्थक थे उनके सब्र का जो बांध है टूटता हुआ नजर भी आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप लगातार चीख चीख करके ये कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से तबाह हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट में मेरे भाई मनीष कश्यप के लिए सुनवाई हो रही थी तब हमें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा और हमारे भाई को मदुरै के जेल से निकाल करके जरूर वापस बिहार भेज देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसे में करण कश्यप यह भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने जितना भी अपने कमाई का रुपया रखा था, लाखों रुपए तो अपने भाई के रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खर्च कर दिया, अब हमारे साथ ऐसे में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। फिर वे लगातार ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बहुत सारे लोगों ने अब तक हमारा सहयोग जो है सोशल मीडिया पे आकर के किया, तो जितने सारे लोगों ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मनीष कश्यप के लिए आई सपोर्ट मनीष कश्यप का हैशटैग लगाया, ट्विटर पे ट्वीट किया, उन तमाम लोगों से वे विनती कर रहे हैं कि अब मनीष कश्यप के भाई और मनीष कश्यप की माता श्री सड़क पे उतर करके जन आंदोलन करने का आगाज कर दिया और आने वाले 27 तारीख को मोतिहारी के एक उभरते हुए चेहरा युवा अनिकेत रंजन के साथ मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप, मनीष कश्यप की माता श्री और उसके साथ सोशल मीडिया पे काम करने वाले तमाम वो पत्रकार बंधु भी उस जन आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। ये बात हम नहीं करें, ये बात खुद अनिकेत रंजन और उनके भाई मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप पिछले कई दिनों से वीडियो में आकर ये कह रहे हैं कि हमने जितना भी कमाया वो सारा तो खर्च कर दिया, लेकिन अब हमारे भाई को रिहा करवाने का हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हमारे पास अब उतने पैसे नहीं है, हमारे पास अब उतने क्षमता नहीं है जिसके बदौलत हम हाई कोर्ट में जा करके और मनीष कश्यप की रिहाई के लिए गुहार लगाए और उनके लिए सुनवाई करें। बाकी आप तो समझ ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी खर्च होती है एक सुनवाई पे और हाई कोर्ट में कितनी खर्च की जाती है एक सुनवाई पे, वकील को कितना पैसा देना पड़ता है। और करण कश्यप ये कह रहे कि अब मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया हूं और मदुरै के सेंट्रल जेल में बंद मनीष कश्यप के भी आशा की जो किरण थी वो टूट गई है, क्योंकि परिवार के लोग अब मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं है और परिवार के जो लोग हैं उनके जो समर्थक है सोशल मीडिया पे काम करने वाले जितने भी पत्रकार बंधु हैं आने वाले 27 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से चंपारण के पवित्र धरती से एक बड़े जन आंदोलन का शुरुआत मनीष कश्यप के समर्थन में करने जा रहे हैं। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा था कि जो लोग भी इस बड़े जन आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो लोग मनीष कश्यप को दिलो जान से समर्थन करते थे, जिन लोगों को मनीष कश्यप का कार्य अच्छा लगता था, मनीष कश्यप का वीडियो अच्छा लगता था, उनको लगता था कि मनीष कश्यप जो है गरीब मजदूर के लिए आवाज उठाता है, छात्रों के लिए आवाज उठाता है, तो उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आने वाले 27 तारीख से जब मनीष कश्यप के भाई और उनकी माता श्री इस जन आंदोलन की शुरुआत करेंगी तो उम्मीद है कि आप उनका साथ जरूर देंगे, क्योंकि जेल जाने से पहले मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में यह कहा था कि मैंने बहुत सारे माँ का आंसू पोछा है और उम्मीद है कि बिहार के लोग मेरी मां की आंखों में आंसू आने नहीं देंगे। लेकिन मनीष कश्यप ने जैसा कहा वैसा बिल्कुल हुआ नहीं, क्योंकि मनीष कश्यप की मां का रो रो करके बुरा हाल है, आंसू को बात छोड़ दीजिए, और मनीष कश्यप की मां ने अपनी आंखों से जितनी आंसू निकाला है साथ उससे एक तालाब भी भर जाता। अब जरूरत है कि मनीष कश्यप के साथ खड़े होने का, जो लोग सोशल मीडिया पे आई स्टैंड भी तो मनीष कश्यप लिख रहे थे, अब सच में ग्राउंड जीरो पे आकर के धरातल पे आकर के मनीष कश्यप के साथ खड़े होने की जरूरत है। और ये लड़ाई केवल हमारी आपकी और मनीष कश्यप की नहीं, ये लड़ाई बिहार के तमाम जनता की है, गरीब मजदूर की है और सोशल मीडिया पे काम करने वाले तमाम युवा बंधुओं का है। बाकी उम्मीद है कि आने वाले 27 तारीख जब आंदोलन की शुरुआत की जाएगी आपकी सहभागिता जरूर देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय बिहार।